गांव गुरेर निवासी द्वारा अपने आप को लूटपाट व जान से मारने के संबंध में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र के माध्यम से मामला दर्ज करने की मांग उठाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए शिकायती पत्र में कहा गया कि पीड़ित थाना मेनाठेर के गाँव गुरेर का रहने वाले आकाश को रेवर सिंह सैनी दिनांक 25/7/2021 को अपने पिता को काम पर छोड़कर घर वापस आ रहा था कि रास्ते में दो अज्ञात युवकों ने मोटरसाइकिल को आगे से टक्कर मारकर गिरा दिया, जिस कारण पीड़ित गंभीर रूप से चोटिल हो गया। इसका फायदा उठाकर अज्ञात युवकों ने आकाश के साथ मारपीट कर उसके जेब में रखी हजारों की नकदी और मोबाइल तमंचे के बल पर लूट लिए और तमंचे की बट से मुझे पीट पीट कर घायल कर दिया। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो हमलावर वहां से मौका देख फरार हो गए। क्षेत्रवासियों ने घायल को उठाकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसको मुरादाबाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों ने इसकी शिकायत संबंधित थाने भी की, लेकिन उन्होंने पहले इलाज हो जाने का वास्ता देकर मामला रफा दफा कर दिया। क्षेत्रीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने पर पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ शिकायती पत्र देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम आपका? राजवीर सिंह जी। क्या घटना हुई और किससे मिलने आज पहुँचे हैं? आज असिफ साहब से मिलने आए थे। 25 तारीख की घटना, 25/7/2021 को हमारे भाई हैं आकाश, ये अपने पिता को तार पर छोड़ कर आ रहे थे। ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं। जब रास्ते से लौट के अपने गुरेर गांव को आ रहे थे तो उसके मेहनता की टंकी के पास में चार पांच दो आदमी उस पर गाड़ी पर मोटरसाइकिल पर इनके पीछा करते हुए इन गाड़ी में टक्कर मारे, गिरा दिया और तीन आदमी चने के खेत में से निकल गए। इन्हें घेर लिया और इनके साथ में मारपीट करने लगे, मोबाइल छीन लिया इनका और इनके जेब में रखे 20,056 रुपये भी निकाल लिए। इतना मारा कि जान से मारने की हालत में बेहोश हो गए थे। कौन से थाने क्षेत्र की घटना है? थाना मैठेर क्षेत्र की घटना, थाना मैठेर। इसकी शिकायत आपने थाने में दर्ज कराई थी? थाने में दो सिपाही निकल हुआ जा रहे थे, उन्होंने कहा भाई सोचराज का एक्सीडेंट हुआ है, इसका पहले इलाज कराओ, बेहोश हो गया था लड़का। ये जो गवाह थे उन्होंने बचाया, बने जान से मार देते, बदमाश थे, लूटपाट करके भाग गए। 15 दिन के बाद में ऐसा होश आया है और आज हम SSP साहब से मिलने आए थे, लेकिन SSP के साहब के कर्मचारियों ने साफ कह दिया कि थाने आप जाइए पहले, आप यहाँ आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इस सरकार के अंदर, इस भाजपा की सरकार को हमने वोट भी दिया है, सब कुछ दिया है, इस सरकार के अंदर क्या मांग करते हैं आप? मांगे चाहते हैं हमारी FIR हो, मुंजमान गिरफ्तार हो, लूटपाट की घटना पड़ लेंगे, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है हमारी कोई बात। अगर थाने वाले भी नहीं सुनेंगे तो कल माननीय मुख्यमंत्री योगी के पास मैं नखों जाऊंगा लेकर इनको। अभी तक आपने थाने में जानकारी दी? थाने में सिपाहियों को मिले थे, सिपाहियों ने कहते पहले इलाज कर, 15 दिन से इलाज चला, जब हमारे हाथ में पड़ा हुआ था आदमी तो बताइए क्या करते, पहले इलाज कराएंगे, मरने देते।